राधे कथा है श्री राधा कृष्ण के कृपा पात्र भक्त श्री रूप गोस्वामी जी की। श्रीमन महाप्रभु ने भक्ति का प्रचार करने हेतु 6 गोस्वामियों की नियुक्ति की थी, जिनमें से सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं श्री रूप गोस्वामी एवं श्री सनातन गोस्वामी। आपने अनेकानेक भक्ति ग्रंथों की रचना की एवं कलिकाल के प्रभाव से ब्रजधाम में लुप्त दिव्य लीला स्थलियों को संसार के समक्ष प्रकट करने का भार भी वहन किया। इन सब कार्यों में संलग्न होते हुए भी आप अपनी आंतरिक साधना को कभी नहीं छोड़ते थे। एक बार आप नंदगांव स्थित टेर कदम नामक स्थली में निवास कर रहे थे। आप नित्य निरंतर श्री वृषभानु नंदिनी के स्मरण में खोए रहते। श्री लाडली जू के प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त करने के लिए आप उनके विरह रूपी ज्वाला में जलते रहते। सरस किशोरी वयस की थोरी रति रस बोरी राधे की जय कृपा की कोर। भलो बुरो जैसो हूँ तिहा तिहारी हाँ पतितन सिर मोर राधे हाँ पतितन सिर किशोरी जू, हे लाडली, क्या आप मुझसे रूठ गई हो अथवा मेरे अनंतानंत पाप देख भयभीत हो? हे प्यारी जू, हे करुणाकारिणी, आपका स्वभाव तो इतना सरल है जितना मैंने न कहीं देखा है और न सुना है।
पतितों को हृदय से लगाने वाली हे कृपा स्वरूपा, मुझे आपने क्यों भुला दिया है? क्यों कभी प्रत्यक्ष रूप में मेरे समक्ष नहीं आती? करुण क्रंदन सुनकर अपने प्रियतम श्याम सुंदर को त्याग कर आप तत्काल अपने शरणागत के पास पहुंच जाती हो, क्या आप तक मेरी पुकार पहुंच ही नहीं रही है? गोस्वामी जी, गोस्वामी जी, ये कौन आया है इस समय? श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। अरे कौन है? गोस्वामी जी, मैं हूँ गोपाल। अरे गोपाल, तुम इस समय यहाँ कैसे आना हुआ? गोस्वामी जी, मैं वृंदावन गया था किसी कार्य से। लौटते समय यह सूचना मिली कि आपके अग्रज पूज्यपाद श्री सनातन गोस्वामी जी आपसे भेंट करने के लिए यहाँ पधार रहे हैं। मुझे लगा कि आप भजन में व्यस्त होंगे, तो क्यों ना मैं आपको उनके आने की सूचना दे दूं। इसलिए घर ना जाकर मैं सीधे यहीं चला आया। ये तो तुमने बहुत ही अच्छी खबर सुनाई गोपाल। मेरे अग्रज, मेरे गुरु स्वरूप मुझसे भेंट करने इतना कष्ट उठाकर यहाँ आ रहे हैं। श्री राधे, आपकी कृपा अनंत है। गोस्वामी जी, अब मैं चलता हूँ, रात्रि हो गई है, मेरा परिवार मेरी प्रतीक्षा कर रहा होगा। प्रणाम, राधे राधे। राधे राधे बेटा, राधे राधे। श्री रूप गोस्वामी वृद्धावस्था के कारण अस्वस्थ रहने लगे थे, मधुकरी मांगने भी नहीं जाते थे। कोई श्रद्धालु कुछ दे जाता तो उसे ही खा लेते, अन्यथा भूखे रहकर ही भजन में निमग्न रहते। अरे मैं भी कैसा पागल हूँ, पूज्यपाद कुछ ही क्षणों में यहाँ पधारने वाले हैं, परंतु वे आएंगे इतनी दूर से, उन्हें भूख तो अवश्य ही लगेगी। यदि मैं स्वादिष्ट खीर बनाकर श्री हरि को भोग लगाता एवं प्रसादी खीर श्री पूज्यपाद को परोसता तो कितना अच्छा होता। परंतु मेरे पास तो इस समय कुछ भी नहीं है, मधुकरी मांगने मैं गया नहीं एवं आसपास कोई रहता नहीं। पास के गांव में यदि मैं जाऊं और उसी समय वे यहां आ जाए तो? नहीं नहीं, उनके स्वागत से भी वंचित रह जाऊंगा। सर्दी के दिन हैं, गांव में चला भी जाऊं तो भी लोग अपने अपने घरों से बाहर नहीं निकलेंगे। हे राधा रानी, अब मैं क्या करूं? श्री रूप गोस्वामी यह सब सोच ही रहे थे कि श्री लाडली जू
एक छोटी सी बालिका का रूप लेकर वहां आ गईं। बाबा, ओ बाबा, नेक बाहर आओ। ये तो लाडली का स्वर है, इस समय यहां कैसे आई? अरे लाडली, तू यहां इस समय? अरे बाबा, तुमने पुकारो और हूँ यहाँ आ गई। अरे लाडली, इस समय तुझे नहीं आना चाहिए था, तेरे माँ बाबा परेशान हो जाएंगे। बाबा, आप बड़े भोले हो, मैया को बिना बताए हाँ रात्रि के समय यहाँ कैसे आ सकूँ हूँ? हाँ, ये भी ठीक है। बाबा, जे सामान रखो, मेरी मैया ने तुम्हारे ताई भेजो है, जामे चावल चीनी और दूध है। मैया ने मोते कहो कि बाबा बहुत दिनांते मधुकरी मांगने गए ना, तू जाकर विन्हें जे सब भोजन को सामग्री दे आ। तुम कुछ खाते पीते नहीं ना, इसीलिए। अरे लाली, मुझे तो यह सब सोचकर बड़ा ही आश्चर्य हो रहा है कि अभी अभी मैंने अपने अग्रज को खीर खिलाने की इच्छा बनाई ही थी कि श्री राधा रानी ने तुम्हारी माँ के हृदय में प्रेरणा देकर मुझ तक ये आवश्यक सामग्री पहुंचवा दी। कितनी करुणामयी है मेरी श्री राधे। अरे बाबा, तुम रो क्यों रहे हो? शरीर तो दुर्बल है ही, अब तो मुख भी सूख गयो। मोय ऐसो लगे है कि आप खीर ना बनाए सको हो। मैं बनाए दूंगी खीर। अरे लाली, ऐसी बात नहीं है, दुर्बल नहीं हूं मैं, बस ये सोच रहा हूं कि राधा रानी मुझ पर कृपा तो करती हैं, परंतु दूसरों के माध्यम से मुझे कुपात्र समझ मेरे सामने प्रत्यक्ष आना वे ठीक नहीं समझती। तुम कुछ खाते पीते नहीं हो ना, इसीलिए। अरे लाली, मैं यहाँ ब्रज में खाने पीने के लिए थोड़े ही ना बैठा हूँ, यहाँ तो ब्रजेश्वरी की कृपा प्राप्त करने के लिए आया हूँ। बाबा, आपको स्वास्थ्य ठीक ना है, आज हाँ खीर बनाए दूंगी। अच्छा लाडली, तू ही बना दे। बाबा, वृषभानु नंदिनी की कृपा तो आप पे नित्य ही बरस रही है, बस आप मान लो।
मेरी माँ कहे हैं कि आप ब्रजधाम में बिना लाली जू की कृपा के को वास ना पाए सके हैं। अच्छा बाबा, अब हाँ जाऊं हूँ, माँ मेरी बात जोह रही है वेगी। श्री लाडली जू के जाने के पश्चात वहां श्री सनातन गोस्वामी पधारे। आइए आइए पूज्यपाद, विराजिए। आप लोग भी स्थान ग्रहण कीजिए। गोस्वामी जी, आज हमारे नेत्र आपके दर्शन प्राप्त कर धन्य हो गए। हमने पूज्यपाद के श्रीमुख से आपकी बड़ी प्रशंसा सुनी थी। पूज्यपाद, आज मेरी चिरकाल की कामना पूर्ण हो गई। मैंने आपको खिलाने के लिए आज खीर बनाई है, अभी लाया। पूज्यपाद, यह प्रसाद पाकर हमारा हृदय तृप्त हो गया। हमें अब आज्ञा दीजिए, जो कार्य आपने हमें दिया था उसकी पूर्ति के लिए हमें प्रस्थान करना पड़ेगा। प्रणाम। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। पूज्यपाद, क्या हुआ? रूप, सर्वप्रथम मुझे यह बताओ, ये खीर कैसे बनी है, किसने बनाई है? श्री राधे, खीर, खीर तो निकट के गांव में रहने वाली कमला नामक स्त्री की बिटिया लाडली ने बनाई है। मेरे पास आपको जिमाने के लिए कुछ भी नहीं था। मैं खीर बनाने की सोच ही रहा था कि समस्त सामग्री लेकर वो स्वयं आ गई। मुझे अस्वस्थ जानकर खीर भी उसी ने ही बनाई। रूप, तुम्हें पूर्ण विश्वास है कि ये खीर कमला की बिटिया ने ही बनाया है? हाँ पूज्यपाद, मैं अच्छे से उसे पहचानता हूँ, आती है यहाँ हरि कथा सुनने। रूप, जिस प्रकार की अलौकिकता एवं देवी स्वाद इस खीर में है, मैं कतई नहीं मान सकता कि ये किसी साधारण बालिका ने बनाई है। ये खीर स्वयं श्री लाडली जू ने ही बनाई है। क्षमा करें पूज्यपाद, परंतु खीर तो लाडली ने। खीर, खीर लाडली ने नहीं अपितु लाडली जू ने बनाई है। विचार करो, रात्रि के समय एक छोटी सी बालिका को भला उसकी माँ सामान लेकर यहाँ क्यों भेजेगी, और वो भी खीर बनाने का सामान। वे स्वयं लाडली जू ही थी जो यहाँ आई थी। विश्वास करो रूप, वे लाडली जू ही थी। अच्छा, तुम मुझे
अभी इसी समय कमला के घर लेकर चलो, तुम्हें पूर्ण विश्वास हो जाएगा। जैसी आपकी इच्छा पूज्यपाद। श्री सनातन गोस्वामी को लेकर श्री रूप गोस्वामी कमला नामक उस महिला के घर पहुंचे। लाडली, अरे लाडली, लाडली घर में है? अरे महात्मन, आप दो या समय, आइए आइए, भीतर आइए। भाई, लाडली घर पे है? लाडली? लाडली तो घर पे ना ही है, पिछले 10 दिन आते अपने ननिहाल गई है। महात्मन, सब कुशल तो है? मेरी बिटिया कुशल तो है ना? हाँ हाँ, तुम्हारी पुत्री कुशल है। महात्मन, आपने बतायो ना है, आपको लाडली ते कछु कास्त हो? नहीं नहीं, हम तो बस ऐसे ही, आप लोग घर के भीतर चले जाओ, ठंड बहुत है, हम चलते हैं। बाबा, द्वार ते ही लौट जाओ हो, मोय तो पाप लगेगो, तनिक ठहरो। हाँ, अब ही मधुकरी लाऊं हूँ। मधुकरी की कोई आवश्यकता नहीं है, हमारा पेट किशोरी जी की कृपा से ही भरा हुआ है, आप लोग जाइए। रूप, देखा, मैंने कहा था ना, वो श्री लाडली जूही थी, आज तुम्हारे कारण मुझे श्री जू के हाथ से बनी खीर खाने का अवसर प्राप्त हुआ। कैसा अधम हूं मैं, मेरी भक्ति में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं श्री प्रिया जू को सही तरीके से पुकार सकूं, फिर भी करुणावश वे मुझ पर कृपा करने के लिए मेरे समक्ष प्रकट भी हो गई। किंतु विडंबना ये है कि मैं उन्हें पहचान ना सका, कब उनके दर्शन करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त होगा, हे राधे जू। रू, प्यारी जू ममतामयी है और माँ सदा अपने बच्चे का हित ही चाहती है। देखो, तुम्हें विरह देकर वे तुम्हारे प्रेम को स्वर्ण के समान विशुद्ध बना देना चाहती हैं। रू, वचन दो कि तुम आज से हट पूर्वक भोजन का त्याग नहीं करोगे, अधिक नहीं परंतु शरीर के लिए जितना आवश्यक है उतना अवश्य खाओगे। एक बात और कहूँ? अवश्य पूज्यपाद, कृपया कहिए। रूप,
भले ही तुम्हारे मन में मेरे लिए खीर बनाने की वासना जागी, परंतु वासना तो वासना ही है। तुम्हें असमर्थ जान श्री लाडली जू को उस वासना की पूर्ति करने के लिए रात्रि के समय अपना महल छोड़कर ठंड में तुम्हारे पास आना पड़ा। उन्हें कष्ट तो हुआ ही होगा। रूप, वे निष्काम प्रेम से प्रसन्न होती हैं, अतः तुम आज से किसी भी प्रकार की कामना अपने हृदय में ना बनाना। वे जो उचित समझे वही करें। उनकी प्रसन्नता ही तुम्हारे लिए सर्वोपरि है। ठीक है, अब घर चलो। शरीर भी अस्वस्थ है और अधिक बीमार न पड़ जाओ। रूप, दुखी न हो, प्यारी जू तुम्हें अवश्य दर्शन देंगी। तुम श्रीमन महाप्रभु द्वारा दिए गए आज्ञा का पालन करो। श्यामा जू के श्रीमुख पर बलिहार, श्यामा जू के श्रीमुख पर बलिहार, मुख हर कुंडल कांति मिलित छवि, चंद्र सूर्य अनुहार, श्यामा जू के श्रीमुख पर बलिहार, वेणी अनियारी घुंघरारी गुंफित कुसुम निहार, श्यामा जू के श्रीमुख पर बलिहार। एवं पूज्यपाद, श्री प्रियाजू के केश इतने कारे हैं कि ऐसा प्रतीत होता है मानो उनकी वेणी चमचमाती हुई काली नागिन की भांति लहरा रही हो। पूज्यपाद, क्या हुआ? आप अचानक इतने गंभीर हो गए? क्या मुझसे कोई भूल हो गई है? रूप, भूल तो तुमसे नहीं हुई है, परंतु हाँ, तुमने जो श्री जी की वेणी की तुलना नागिन से की है वो मुझे अच्छा नहीं लगा। रूप, अब मैं चलता हूँ। प्रचार के लिए अन्य क्षेत्रों में भी जाना है। तुम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना और कभी भी भूखे पेट न रहना, अन्यथा किशोरी जू को तुम्हारे समक्ष आना पड़ेगा। दूसरे दिन श्री सनातन ने देखा कि एक अत्यंत रमणीय कुंज में
श्री प्रियाजू अपनी सखियों के संग हास परिहास कर रही हैं। सखीजन प्रियाजू का यशोगान करते हुए नृत्य कर रही हैं, परंतु श्री सनातन इस बात से अनभिज्ञ थे कि श्री प्रियाजू ने इस लीला की रचना उनकी परीक्षा लेने के लिए की थी। But
हे प्यारी जू, आज तो आपको श्रृंगार देख स्वयं श्रृंगार हूँ लज्जित है रही हो है। लाली, सांप, 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 बाबा कहाँ है सांप? लाली, श्री जी के कंधे पर, हटा दे अन्यथा काट लेगा। बाबा, वृद्धावस्था के कारण आपको दीस ना आ रहे है, जे तो श्री प्यारी जू की वेड़ी है, सांप ना आए। लाली, वेड़ी नहीं, सांप है। तो ए भ्रम है रहे है, जे सांप ना आए, जे तो मेरी वेड़ी है, अच्छी प्रकार ते देख ले ओ। वेड़ी नाए, नाए सांप है, नाए वेड़ी है, वेड़ी सांप, वेड़ी। सत्य तो ये है, आप तो एकमात्र भाव ही देखती हैं। किसी प्रकार की उपमा से आपका कोई प्रयोजन नहीं। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। सनातन, तुमने समय रहते अपनो भूल स्वीकार कर लियो, जे ही बुद्धिमत्ता है। मेरो दिव्य दर्शन ते पूर्व कौन मेरो दिव्य स्वरूप को चिंतन ठीक ठीक करी सके हैं? ऐसो करीवे में मनुष्य असमर्थ है। अतः मनुष्य अपने मन ते जैसो चाहे वैसो रूप बनाए ले। हों वाको ही सत्य मान लऊं हूँ, मनोमयी भागवतीम ददौ गतिम। मनुष्य को भाव बनाएवे की स्वतंत्रता मैंने प्रदान कियो है। रूप को भाव उसके स्वयं को भाव है, तिहारो नाए तोए जे अधिकार नाए कि किसी भी प्रकार को संशोधन वाके भाव में तुम करो। भविष्य में ऐसी भूल पुनः ना करियो। क्षमा, क्षमा प्यारी जू। जय हो श्री प्रिया जो की, जय हो श्री लाडली जो की, जय हो श्री राधे जो की, जय हो।